जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, 21 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में आर्मी ओपन रैली भर्ती चलने वाला है मुजफ्फरपुर एआरओ। मुजफ्फरपुर एआरओ में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो भी मुजफ्फरपुर एआरओ में आते हैं उन सभी लोगों को पता है कि हमारा रैली भर्ती 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, काफ़ी अहम अहम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी में से एक मुख्य भूमिका वाला डॉक्यूमेंट्स है, वो पुलिस द्वारा बनाया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वहीं आज हम लोग जानेंगे कि बिहार के बच्चे ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाए। क्या बहुत से बच्चे का क्वेश्चन है, क्या ऑनलाइन बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आर्मी में रहेगा, वैलिड रहेगा? एकदम दोस्तों, 100% रहेगा। तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो गूगल ओपन कीजिएगा अपने मोबाइल में, आप जो भी क्रोम मतलब सर्च इंजन चलाते हैं, सर्च ब्राउजर चलाते हैं, उसके बाद RTPS सर्च कीजिएगा। अब जैसे ही हम RTPS सर्च करेंगे, अब यहाँ पे जो RTPS का वेबसाइट आएगा, सर्विस onlinebihar.gov.in, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। ये कभी RTPS 3 भी रहता है, कभी 4 रहता है, जो भी रहे। इस पे क्लिक करने के बाद जो अगला फेज हमारा इस तरह का है, जो खुल के आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, RTPS एंड अदर सर्विसेस ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। यहाँ पे नीतीश कुमार का, श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सबको पता ही है। तो दोस्तों, इसी पे हमको स्क्रॉल करके आना है। देखिए, ये फोटो के बाद, देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार का फोटो है, उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना का रहेगा, एक पोर्टल, एक मानक संचालन प्रक्रिया, एक लोक सेवाओं का अधिकार जिसमें हम लोग आयावासी अप्लाई करते हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, और यहाँ पे हम गृह विभाग पे जो लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं है, इसमें गृह विभाग में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गृह विभाग में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, तो हमको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, अब आचरण प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जैसा एक पेज खुल के आएगा। इस तरह का आएगी जिस पे लिखा होगा आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें आवेदन का विवरण सबसे पहले आपको भरना है। तो इसमें देखिए, प्रमाण पत्र का प्रारूप, भाषा चुने, मतलब आप किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो हम हिंदी में चाहते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। पुरुष आवेदन दे रहा है या महिला आवेदन दे रही है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग, जो पुरुष है या महिला है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अभिवादन, आप मतलब क्या लगाए हैं, श्री या कोई अभिवादन नहीं। देखिए, अगर ये आर्मी की मतलब रैली भर्ती है, इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो वो मार के गाली दे के भगा देता है। तो इसलिए अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट पे श्री नहीं होगा तो आपको श्री नहीं चुनना है, आप कोई अभिवादन नहीं इस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में लिखिएगा, फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा, फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा, फिर अपने माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा, फिर अपने माता का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। उसके बाद अगर कोई लेडीज आवेदन दे रहा है, दे रही है, मतलब अगर उसका शादी हो गया तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है, और यहाँ पे अपने मतलब पति का नाम इंग्लिश में और फिर हिंदी में लिख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक आवेदिका का मोबाइल नंबर, इस पे स्टार मार्क है, ये सभी को भरना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, अगर ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल डाल दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपके पास आने में आसानी होता है। उसके बाद आवासीय पता, जिसको अस्थायी पता बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस, आप मतलब एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बिहार है, क्योंकि बिहार के बच्चों के लिए ही आवेदन है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पे देखिए शेखपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, जो भी है, तो हम पूर्वी चंपारण से आते हैं, पूर्वी चंपारण सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अनुमंडल, आप जिस भी उस जिला के अंतर्गत जितने अनुमंडल आते हैं वो सब अनुमंडल खुल गया जाएगा, आप उस अनुमंडल में सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका अनुमंडल कौन सा है, तो हम अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस अनुमंडल में आपका ब्लॉक कौन सा है, वो ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विलेज, मतलब अपने विलेज या टाउन का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद अपने ग्राम मोहल्ला का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा। फिर अपना डाकघर हिंदी में लिखिएगा। फिर यहाँ पे अगर वार्ड नंबर आपको है, ये स्टार मार्क नहीं है, इसको भरना ज़रूरी नहीं है, अगर वार्ड है तो यहाँ पे वार्ड लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, आपका पिन कोड अपना लिख दीजिएगा। अगर स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आप ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, इसमें से किसी भी जगह से आप आते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट करना है, आपका थाना जोन जो भी है उस जिला के अंदर, उस प्रखंड के अंदर जितना थाना आता है वो थाना आ जाएगा, उस थाना में अपने थाना का यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। वो थाना सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पे जैसे नगर निगम चुनते हैं तो उसका सिलेक्ट करना है, जो भी आप चुनिएगा उस इसमें चूज करके डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो, अपना फोटो एक डालिएगा,
जो आप फोटो आर्मी में दीजिएगा वहीं आप फोटो यहाँ डालिएगा, क्योंकि अगर आर्मी के लिए जिस भी कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं आचरण, वो तभी उसी चीज़ के लिए दीजिएगा जहाँ पे वो फोटो दिए हैं, वो अच्छा रहता है। उसके बाद पेशा में आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है, अन्य है, आप जो भी हैं, तो हम स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आवेदन का उद्देश्य, मतलब जो ऑफलाइन अप्लाई होता था तो उसमें लिखा जाता था कि मैं आर्मी रैली भर्ती के लिए आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहा हूँ या जिस भी पासपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है पासपोर्ट हेतु आवेदन, शस्त्र लाइसेंस, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस, विभिन्न सरकारी विभागों, नियमों, निकाय एवं संविदा ठेकों पर काम। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे मतलब अगर आप किसी जगह पे काम करने जा रहे हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। बैंक अथवा सरकारी संस्थान में ऋण लेते हैं, अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए सरकारी सेवा में अस्थाई अनुबंध के आधार पर नौकरी, मतलब अगर आप गवर्नमेंट के मतलब नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं सरकारी सेवा में अस्थाई अनुबंध के आधार पर। अब देखिए किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एजेंसी और जो भी है उससे अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसमें से किसी भी कार्य के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको इसमें से जो कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैं आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेशल आर्मी लिखा नहीं है। अब आचरण 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, अब उसमें भी अगर वहाँ पे आर्मी नहीं लिखा रहा है, हो सकता है कि वो निकाल भी सकता है, मतलब वो भर्ती से निकाल भी सकता है रनिंग निकालने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अब जैसे कोई भी काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी पुलिस द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन समझा जाए। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आप जिस कार्य के लिए अप्लाई करें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आर्मी रैली भर्ती, फिर वही चीज हिंदी में लिख दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, मतलब आप पिछले 2 वर्ष से कहाँ रह रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पे लिखना है। तो आप जो वहाँ 2 वर्ष से रह रहे हैं वो वर्तमान पता है या पिछला पता है या अस्थाई पता है, तो ये अस्थाई पता, जैसे आप जन्म से हम रह रहे हैं कहीं पे अपने घर पे, तो वो मेरा अस्थाई पता है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस अस्थाई पता का जिला कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, तो हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस जिला के अंतर्गत आपका थाना कौन सा है, तो आप जो भी आपका थाना है वो थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पता कौन सा है, वो पता यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप कब से रह रहे हैं, तो हम जनवरी महीने 2017 से, इधर लास्ट 2017 का ही ऑप्शन है, 2017 से सितंबर महीने 2022 तक हम यहाँ पे अभी रह रहे हैं, मतलब सुगांव सुगोली पूर्वी चंपारण में हम रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक कीजिएगा और यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने से पहले आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो आवेदन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, जो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए हैं वहीं पे दिखा देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुलिस एसपी डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण, मतलब जो हमारे ईस्ट चंपारण के एसपी हैं उन्हीं के पास ही आवेदन हम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद आप एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। नहीं, हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब अगर अगला फेस है वो जो जो हम फिल किए हैं वो सभी को एक बार फिर से दिखा देगा। आप इसमें अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कहीं गलती फिल तो नहीं हो गया, अगर गलत फिल हो गया है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब सही है तो यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे, अटैच पे क्लिक करने के बाद अगला फेस जो आएगा वो हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगा, जिसमें हम अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे पहचान के लिए। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे अब आईडी प्रूफ में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो भी अपलोड करना है, जैसे निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आपको जो भी अपलोड करना है अपने अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सबसे आसान है बच्चों के लिए जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या आसान मतलब जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे आसान है आधार कार्ड। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड का फोटो हम यहाँ पे चूज करके डाल लेंगे। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फिर से सेव पे क्लिक करेंगे, अब अगला फेज जो आएगा वो हमारा फाइनल सबमिट का आएगा, उस समय सबमिट नहीं तो कैंसिल, तो हम अब कैंसिल करेंगे नहीं, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा फाइनली आवेदन जो है वो हो जाएगा। फाइनली आवेदन हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा पीडीएफ आ जाएगा आपके सामने। इस पीडीएफ को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में सेव करके अपने मोबाइल में मतलब भविष्य के काम के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है और उस पर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए
आवेदन संख्या जो लिखा है, ये आवेदन संख्या आप अपने आधार कार्ड के फोटो कॉपी पर लिख दीजिएगा और अपने चौकीदार के पास जाके आपको साइन करा लेना है, और उस पर साइन करा के जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो भी आपका मतलब थाना है, उस थाने में जाके आपको दे देना है, बोलना है कि मैंने आचरण अप्लाई किया है, इस आचरण को आप वेरीफाई कर दीजिए। तो थाना में जैसे ही आप चौकीदार से आधार कार्ड पर साइन करा के देंगे, उसके बाद आपका आचरण वहाँ से वेरीफाई होके आपके एसपी ऑफिस में चला जाएगा और 5-7 दिनों में आपके यहाँ बन के चला आएगा। अगर नहीं भी बन के आता है तो आप ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन आप एक ही दिन में कर लेंगे। अब जैसे ही मतलब जैसे आप अभी आवेदन किए, अभी साइन चौकीदार के घर आपके घर के बगल में है तो अभी साइन करा के दे दीजिए और आज ही वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद एसपी ऑफिस चला जाएगा, और एसपी ऑफिस जाने के बाद आप अपना कैरेक्टर जाके बोलिएगा कि हम थाना से करवा लिए हैं, वो कैरेक्टर आपको बना के दे देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और पता चल गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।